हे एवरीवन, मैं हूँ साइली बलगे और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आवाज़ भी में। आवाज़ भी में कैसी सोच है जो युवाओं को संगठित करता है और सभी युवाओं को संगठित करना आवाज़ भी का लक्ष्य है, जो कि आज के काल में बेहद महत्वपूर्ण है। आज का जो हमारा विषय है वो है बोधगया। बोधगया क्या है और क्यों इतना प्रचलित है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। गया ये इंडिया की एक सिटी है जो बिहार स्टेट में है। ईसा पूर्व 528 में गया सिटी के निरंजना नदी के पास पीपल के पेड़ के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी और इसी ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ गौतम बुद्ध कहलाए, मतलब सिद्धार्थ गौतम बुद्ध कहलाए। बोधगया वही स्थान है जहाँ पे गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति की थी। इस ज्ञान प्राप्ति को बुद्धत्व, निर्वाण या फिर संबोधि भी कहा जाता है। बुद्धत्व प्राप्त होना मतलब एक ऐसा इंसान जिसे पूरे विश्व का ज्ञान होना, मतलब सर्वज्ञान होना, ज्ञान संपन्न होना या फिर बुद्धत्व प्राप्त होना, आत्मज्ञान होना, और इसीलिए गया को बुद्ध गया भी कहा जाता है। और इसी के चलते इस जगह पर महाबोधि विहार बनाया गया है। खासकर जब बुद्ध जयंती होती है तो इस दिन में बहुत से विभिन्न देश के लोग महाबोधि विहार में आते हैं। और यही नहीं, सम्राट अशोक ने पूरे 1600 वर्ष पूर्व यहाँ पे विहार भी बनवाया है, जो कि सम्मान दर्शाता है गौतम बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति को और बुद्ध गया इस स्थान को। इसी तरह से बहुत से ऐसे बुद्धिस्ट कंट्रीज हैं जिन्होंने अपने अपने तरीके से विहार यहाँ पे बनाए हैं, जो कि है चाइना, भूटान, जापान, थाईलैंड, सिक्किम, श्रीलंका एक्सेट्रा। तो इस तरह से बुद्धगया ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस है और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है बुद्धिज्म और बुद्ध धर्म के लिए। तो ये थी मेरी जानकारी। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए केवल इतना ही। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्ध।